हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे के बारे में। डार्क सीरीज के अंदर आपका एक कलर आता है, एक स्टीथ ब्लैक आता है, एक आपका गन मेटल ग्रे आता है। तो डिटेल में बात करेंगे इस बाइक के बारे में, क्या कुछ आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या इस बाइक का लेटेस्ट प्राइस चल रहा है, क्यों आपको ये वाली बाइक लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो देख लो भाई, ये है स्टीथ ब्लैक। जब से आई है तब से दबा के बिक रही है स्टीथ ब्लैक। बहुत से लोग इसे भाई पसंद करते हैं और काफ़ी शानदार और काफ़ी अट्रैक्टिव कलर आपको ग्रे कलर के अंदर देखने को मिलता है। और काफ़ी यूनिक जो है ये वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको टैंक पैड देखने को मिलता है, अलग तरह के रॉयल इनफील्ड का स्टिकर आपको देखने को मिलता है। इसी वेरिएंट के अंदर आपको जो है भाई कंपनी फिटेड अलॉय व्हील्स मिलते हैं विद ट्यूबलेस टायर। मैट ब्लैक आपको इंजन देखने को मिलता है और काफ़ी बढ़िया जो है ये वाली बाइक लगती है। बिल्कुल मॉडर्न बुलेट आप इसको कह सकते हो। देख लो भाई, सस्पेंशन भी इसके अंदर आपको ब्लैक देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी बढ़िया जो है ओवरऑल ये बाइक लगती है इस कलर के अंदर, और कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लगता है जो आपका ग्रे एंड ब्लैक का। बाकी बाइक की सीट जो है आपको चेरी कलर की देखने को मिलती है। मिरर्स भी इसके ब्लैक आते हैं। हेडलाइट कैप भी इस वेरियंट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट टॉपी वेरियंट हो जाता है, इसके बाद बस एक क्रोम वेरियंट रहता है जो इससे लगभग 5,000 के आसपास महंगा है। अदरवाइज ऑलमोस्ट टॉप वेरियंट है ये। और इसी वेरिएंट को जो है सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है जो क्लासिक 350 है, उसके अंदर भाई सबसे ज़्यादा जो है डार्क सीरीज ही बिकती है, जिसमें दो कलर आते हैं, एक गन मेटल ग्रे और एक स्टीथ ब्लैक। दोनों ही कलर दबा के बिकते हैं भाई। बाकी ओवरऑल बाइक काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलती है। 350 सीसी का इसके अंदर आपको लेटेस्ट रॉयल इनफील्ड का इंजन देखने को मिलेगा। ये देख लो, ड्यूल चैनल ABS के साथ ही वाली बाइक आपको देखने को मिलती है। क्लासिक 350 यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा ब्लू का टच दिया गया है टायर्स के ऊपर भी और यहाँ साइड पैनल्स पे भी, जो कि काफ़ी यूनिक लगता है। बाकी रियर से लुक देख लो आपका, कितना शानदार आपको ये बाइक निकाल के दे रही है। सॉरी फॉर द लाइटिंग भाई, थोड़ी लाइटिंग शोरूम पे कमी रहती है क्योंकि एक ही साइड ज़्यादा लाइटिंग रहती है, एक साइड आपको अंधेरा ही देखने को मिलता है, थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी बाइक ओवरऑल मैं सभी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। देख लो भाई, ये इंजन है इसका, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड रॉयल इनफील्ड का J1 सीरीज का आपको इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपको 20.2 BHP की पावर निकाल के देता है 27 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ। और माइलेज भी काफ़ी शानदार आपको इंजन निकाल के देगा, आराम से 35 तक का माइलेज आप अचीव कर सकते हो अगर आप इसको बढ़िया से राइड करते हो तो। और यहाँ पे आपको जो है सेमी डिजिटल इसके अंदर मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी शानदार लगता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। छोटी सी MID मिलती है इसके अंदर आपको। फ्यूल मीटर भी अब आपको देखने को मिलेगा, ट्रिप मीटर, टाइम, सभी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप 5, सब कुछ जो है देखने को मिलता है। तो काफ़ी बढ़िया जो है मीटर कंसोल आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया चीज़ जो है मुझे लगी ये। बाकी ये देख लीजिए, चाबी भी इसकी अपडेट कर दी गई है, यहीं पे आप जो है लॉक कर सकते हो स्टेयरिंग को या हैंडल को। और यहाँ पे आपको जो है ट्रिपल नेविगेशन लगाने की जगह भी दी जाती है। बाकी यहाँ पे आपको बाइक के अंदर USB चार्जिंग भी दी जाती है, जिससे आप अपने डिवाइसेस वगैरह भी चार्ज कर सकते हो। तो काफ़ी यूज़फुल चीज़ जो है मुझे लगी बाइक कंपनी के द्वारा। और इसके जो लीवर्स हैं वो भी काफ़ी कंफर्टेबल कर दिए गए हैं, स्विचेस वगैरह भी चेंज कर दिए गए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हॉर्न, इंडिकेटर लाइट, आई बटन जो है MID को कंट्रोल करने के लिए। और इस तरफ जो है आपको इंजन के स्विच पावर स्टार्ट बटन के साथ देखने को मिलता है। हज़ार्ड लाइट का भी कंपनी फिटेड जो इसके अंदर आपको बटन देखने को मिलेगा क्लासिक 350 के अंदर। और बिल्कुल लेटेस्ट बाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ, E20 तक का फ्यूल जो है बाइक सपोर्ट करती है, एथेनॉल 20 तक का, बिल्कुल अपडेटेड ये वाला जो है वेरियंट है भाई। बाकी एक बार टैंक फुल कराने के बाद लगभग 500 किलोमीटर की रेंज आप आराम से अचीव कर सकते हो, क्योंकि 13 लीटर का बड़ा टैंक इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसकी जो रिजर्व कैपेसिटी है 2.6 लीटर की आपको देखने को मिलेगी। फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी जो है रॉयल इनफील्ड इस बाइक के अंदर यूज़ करता है। 5 गियर आते हैं, 1 डाउन 4 अपवर्ड आपको जो सिस्टम देखने को मिलेगा। 120 तक की मैक्सिमम आपको टॉप स्पीड देखने को मिलेगी। और हेडलाइट हो, इंडिकेटर्स हो, या फिर पार्किंग लाइट्स हो, टेल लाइट हो, सब कुछ आपको हैलोजन मिलेगा। कुछ भी इसके अंदर आपको जो है LED सेटअप वगैरह देखने को नहीं मिलता है। और सस्पेंशन भी काफ़ी बढ़िया आपको जो है बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं, 41mm फ्लॉक्स, 130mm ट्रैवल के साथ। और रियर में आपको ट्विन ट्यूब एमिशन शॉक एब्जॉर्बर्स 6 स्टेप एडजस्टेबल फ्यूल रेडिएटर के साथ देखने को मिलेंगे। ड्यूल चैनल ABS के साथ ही वाली बाइक जो है आपको देखने को मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया। और फ्रंट में जो है भाई, इसमें आपको 300mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, और रियर में जो है 217mm की आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। फ्रंट व्हील जो है 19 इंच का आता है, और रियर व्हील आपको 18 इंच का देखने को मिलता है। और काफ़ी कंफर्टेबल जो है आपको सीटिंग देखने को मिलती है इस बाइक के अंदर। स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, जिसमें से आप रियर सीट को जो है रिमूव भी कर सकते हो अगर आपको नीड है तो। बाकी 190 का फ्रंट टायर आता है, 120cc का आपको पिछला टायर देखने को मिलता है। अगर पीछे आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं इस बाइक के अंदर। 195 kg बाइक का वेट है, 117mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि काफ़ी शानदार है। और 805mm की आपको सीट हाइट इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। 1390mm का आपको व्हील बेस मिलता है।
और लंबाई की बात करें तो 2145 mm की, चौड़ाई जो है 785 mm की, और हाइट जो है आपको 1090 mm की इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। ट्यून डाउन ट्यूब स्पिन फ्रेम इसका अंदर आपको चेसिस मिलती है, यानी कि ड्यूल रोड आपको चेसिस देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से बाइक के अंदर ना तो वाइब्रेशंस हैं और काफ़ी रिफाइन बाइक जो है ये हो गई है पहले के मुकाबले, काफ़ी रिगिड बाइक भी आप इसको कह सकते हो। बाकी इंजन वैसे भी इसका काफ़ी रिफाइन है तो वाइब्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम नई वाली जो नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक है या नेक्स्ट जनरेशन बुलेट है जितनी भी बाइकें भी आ रही हैं इस इंजन के साथ उनमें ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। 3 साल या 30,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिलती है जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हो अप टू 5 ईयर्स के लिए, तो काफ़ी रिलायबल बाइक जो आपको मिलती है ये। परफॉर्मेंस के मामले में कहीं पे भी आपको परेशान नहीं करेगी, कंफर्टेबल बाइक है और काफ़ी सॉलिड आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है, किसी भी एज ग्रुप का पर्सन आप इस बाइक को चला सकता है। तो ये था हमारा ऑल डिटेल रिव्यू रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे का, आज की वीडियो में इतना ही था।